राजधानी लखनऊ के हनुमान प्रसाद रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी ने स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम से बातचीत करते हुए बताया कि हमारे स्कूल में कई प्रकार के विषयों का अध्ययन हमारे टीचर्स द्वारा कराया जाता है, जिसमें शासन द्वारा 8वीं तक के छात्राओं को निःशुल्क कॉपी किताबें व यूनिफॉर्म प्रदान की जाती है व सरकार द्वारा चलाए गए मिड डे मील में एजेंसियों के माध्यम से जो भोजन प्राप्त होता है उसकी क्वालिटी व स्वाद एकदम खराब है, जिसके लिए मैंने उच्च अधिकारियों व शासन को भी पत्र लिखा है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल स्वतंत्र प्रभात मीडिया और आज हमारे साथ हैं हनुमान प्रसाद रस्तोगी इंटर कॉलेज की गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य मैडम अपर्णा त्रिपाठी। अपर्णा त्रिपाठी जी, जैसे कि अब 15 अगस्त जो कि स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल कहलाता है, उसके विषय में और आपके स्कूल में क्या क्या फैकल्टीज़ है, कितने कितने बच्चे हैं, उसके बारे में कुछ विस्तार से जानकारी दीजिए। सर्वप्रथम मुझे आपकी पूरी टीम को धन्यवाद कहना है कि आपने विद्यालयों में इस तरह का सरोकार किया कि आकर के हमारे बारे में, बच्चों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो ये स्वतंत्र प्रभात चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से देश लगातार आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, वो और भी तेज़ी से प्रगति हो और शिक्षा में नए आयाम जुड़ें, जो एजुकेशन हम दे रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन दें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी उन्नयन हो, ये सारी शुभकामनाएं पूरे राज्य के लिए, देश के लिए और विशेष रूप से अपने लखनऊ जनपद के लिए। जैसा कि प्रधानाचार्य जी, आपके स्कूल में कौन कौन से विषय हैं और कौन कौन से विषयों को कौन कौन सी टीचर्स पढ़ाते हैं और एक क्लास में कौन कौन से टीचर्स पढ़ाते हैं और कौन कौन से आपके इधर जैसे कि आर्ट साइड के अलावा और कौन कौन से विषय हैं, इसकी विस्तार से जानकारी। देखिए, मेरे विद्यालय में मानविकी वर्ग और वाणिज्य वर्ग दोनों चलते हैं, दोनों वर्ग की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। विज्ञान वर्ग अभी नहीं है, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारी मान्यता हो जाए विज्ञान वर्ग की। तो मानविकी वर्ग में मुझे लगता है कि लखनऊ जनपद में एकमात्र ऐसा कॉलेज होगा जिसमें 15 विषय हैं, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, संगीत गायन, संगीत वादन और जो हिंदी, ये तो कंपलसरी है, हिंदी अंग्रेजी के अतिरिक्त संस्कृत, ये सारे विषय हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त होम साइंस, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय भी हमने अभी हाल ही में 2018 में मान्यता ली है, विषय हमारे यहाँ मानविकी वर्ग के लिए। ये हम चाहते हैं और बच्चों को भी पता चले कि जो बच्चे कहते हैं मुझे चित्रकला नहीं मिल रहा है, होम साइंस नहीं मिल रहा है, तो हमारे विद्यालय में उसकी सुविधा है और अच्छी तरह से पढ़ाने की सुविधा है और कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं है इन विषयों के साथ में। जैसे होम साइंस में और जगहों पर अतिरिक्त शुल्क बच्चों से शायद लिए जाते हों, हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम केवल सरकारी फीस लेते हैं। आपके विद्यालय में कितने टीचर्स हैं और कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन से टीचर्स पढ़ाती हैं और आपको यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद पर कितना समय हो गया है? जी देखिए, मुझे प्रधानाचार्य के पद पर ये 6ठा वर्ष है और वैसे 2004 में मेरी ज्वाइनिंग हुई है और कार्यवाहक प्रधानाचार्य के चार्ज पर हूँ। प्रवक्ता के पद पर मेरी नियुक्ति इस विद्यालय में 2004 फरवरी में हुई थी, तो मुझे 20 साल कंप्लीट हो जाएंगे फरवरी 2024 में। और विद्यालय में 17 शिक्षिकाएं हैं और एक शिक्षिका मैनेजमेंट से हम लोगों ने रखी है, इस प्रकार से 18 शिक्षिकाएं विद्यालय में हैं और सभी विषयों की अच्छे से पढ़ाई हो रही है। हाई स्कूल के बारे में भी आपको बताना चाहते हैं, हाई स्कूल में भी हम वाणिज्य और कंप्यूटर विषय चला रहे हैं, उसकी भी कंप्यूटर की विधिवत पढ़ाई करा रहे हैं और जो बच्चे ऐच्छिक भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो उनको भी हम अलग से पाठ्य सहगामी क्रिया के रूप में कंप्यूटर सिखाते हैं। इसके लिए हमारे पास में डिजिटल क्लास भी है जो हमें मुस्कान ड्रीम संस्था के सहयोग से उपलब्ध कराई गई है।
तो ये तो हुई शैक्षणिक उपलब्धता की बात और शिक्षकों की जो संख्या है वो भी आपको अवगत करा दिया। अब तीसरा प्रश्न जो आपका है कि क्या एक ही शिक्षिका एक कक्षा में कितने पीरियड ले रही है, ऐसा बहुत ही रेयर है कि कोई किसी का दो पीरियड लगा हो, ऐसा नहीं है। हर विषय के अलग अलग शिक्षक हैं, शिक्षिका बहनें हैं विद्यालय में और सब अपने समय सारणी के अनुसार विद्यालय में अध्यापन कार्य करते हैं। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सबके पीरियड लगे हुए हैं। विद्यालय में हाई स्कूल स्तर पे विज्ञान और वाणिज्य विषय की शिक्षिका उपलब्ध हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, संस्कृत, संबंध जितने भी विषय हैं सबके शिक्षिकाएँ उपलब्ध हैं। केवल गणित विषय है जिसको हमें अतिरिक्त प्रयास करके पढ़ाना पड़ता है। जैसा कि आप अपने विद्यालय की प्रधाना चाह रहे हैं तो आपने आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इंटर कॉलेज है, काफ़ी बच्चों का आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है और हाई स्कूल और इंटर जो रहता है बोर्ड रहता है। आप सब्जेक्ट आप अपनी क्लास के अपने स्कूल के बच्चों को उपलब्ध कराते हैं अपने माध्यम से? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा विषय अर्थशास्त्र है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है। अभी इसी पिछले सत्र में मैंने इसमें अपना रिसर्च वर्क भी कंप्लीट किया है। तो अपर्णा त्रिपाठी से डॉक्टर अपर्णा त्रिपाठी का जो सफ़र था वो भी इस विषय में मेरा पूर्ण हो चुका है। और बच्चों को मैं अर्थशास्त्र विषय पढ़ाती हूँ और व्यावहारिक रूप से किस तरह हम अर्थशास्त्र विषय का लाभ उठा सकते हैं अपने रोज़मर्रा के कार्यों में, इस पर विशेष ध्यान देती हूँ कि केवल ये रट्टू तोता प्रणाली ना हो। और ये तो हर विषय के शिक्षकों से मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ तो उनको ये बताती हूँ कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि बच्चों को रट के याद करना पड़े। पढ़ाई का मतलब ये है कि जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो उसको समझ लें, उनको उसमें रुचि आए और वो रुचि के साथ में उसको आत्मसात करें और अपने जीवन में उसको व्यवहारिक रूप से प्रयोग करें। जैसे अर्थशास्त्र विषय में कहा जाता है कि न्यूनतम संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करना चाहिए। ये बहुत बड़ा मोटो जो है वाक्य है। तो अगर बच्चे के जीवन में ये चीज़ उतर गई कि न्यूनतम संसाधनों से हमें अधिकतम उपयोगिता कैसे मिलनी है, न्यूनतम संसाधनों का अच्छा प्रयोग, सर्वश्रेष्ठ प्रयोग हमें कैसे करना है, तो एक बच्चे का भविष्य जीवन निर्माण हो जाएगा। जैसे कि सरकार द्वारा प्रथम से लेकर आठवीं तक का जो बेसिक शिक्षा होती है, तो बेसिक शिक्षा में यूनिफॉर्म और सभी चीज़ें सरकार द्वारा मुफ्त निःशुल्क कर दी गई है, तो आपके स्कूल में इसका कैसा क्या रहा है, उपलब्ध होती है या सरकार सिर्फ वादे करती है, वादे पूरे भी करती है, इसकी विस्तार से जानते हैं? जी देखिए, वर्तमान में सरकार शैक्षणिक जगत में काफ़ी कार्य कर रही है। सबसे ज़्यादा सरकार को इस बारे में धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहले से ज़्यादा जागरूक हैं। हमें हर चीज़ में रिटर्न में रिपोर्टिंग करनी पड़ रही है तो इससे एक अच्छा सजगता बढ़ी है। पहले उतनी रिटर्न में रिपोर्टिंग नहीं थी, आज हर गतिविधि जो संचालित हो रही है कॉलेजेस में उसका रिटर्न ब्यौरा हमें रखना भी है। यू डायस आ गया है, यू डायस में हमें पूरा डाटा मेंटेन करना पड़ता है विद्यालय का। इसके अलावा जो भी हमारे पास में समय समय पर आते हैं, बहुत सारे इंक्वायरीज आती हैं, उससे हमें बहुत पॉजिटिव इसका असर हुआ है क्वालिटी एजुकेशन में। तो सरकार का जो और मुख्यमंत्री जी का खास तौर पे धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस पर इतना ध्यान दिया। इसके अलावा पुस्तकें ये हमें मिल जाती हैं, हर बार 6 से 8 तक पुस्तकें मिल जाती हैं। लेकिन मिड डे मील के बारे में कहना चाहती हूँ कि इसमें और ज़्यादा सवाल मिड डे मील को लेकर ही है। जैसा कि सरकार द्वारा जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए हर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की सुविधा की गई है, तो क्या उस मिड डे मील में खाने की व्यवस्था ठीक तरह की है कि नहीं, कि खाना खाने योग्य है, या क्या कहते सरकार के कार को मिड डे मील जो चला रहे हैं वो धोखाधड़ी कर रहे हैं? हाँ, इसके बारे में मुझे ये कहना है, इसमें और ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है कि अगर हम रेटिंग करें तो मिड डे मील के खाने की एवरेज रेटिंग करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा दी बेस्ट नहीं कह पाएंगे। हम ये कहेंगे हाँ औसत दर्जे का भोजन आ रहा है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा
बच्चों का, आप जानते हैं बच्चों को अगर खाना बहुत सादा वैसा देखने में भी जो बहुत सादा लगे तो बच्चे अट्रैक्ट नहीं होते उस खाने को, बच्चे नहीं खाना चाहते। तो पौष्टिक भोजन तो दे रहे हैं लेकिन उसमें स्वाद नहीं, तो बच्चे उसको खाने में बहुत आनाकानी करते हैं, ये समस्या आती है। तो इसके लिए हमने कई पत्र भी लिखे हैं कि खाने की गुणवत्ता को सुधारा जाए, खाना ऐसा हो जो बच्चे रुचि लें, और इसमें और भी सुधार कर सकते हैं जैसे कि खाना के बारे में एक सर्वे करा सकती है गवर्नमेंट की किस तरीके से खाने की व्यवस्था की जाए जो और ज़्यादा अच्छी हो। और मेरा तो ये विचार है कि इस बारे में और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि एजेंसी को दे दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, हम लोगों को भोजन ला के देते हैं, वो बच्चों को हम लोगों को बंटवाना है, तो हमारे हाथ में बस इतना ही है कि जो भी भोजन आ गया वो हमें बंटवाना है या उसको रिजेक्ट कर देना है, उसकी शिकायत करनी है। जैसा कि आज हमने बात की रस्तोगी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य से, जिन्होंने क्या कहते हैं हमको बहुत अच्छे अच्छे विषयों के बारे में जानकारी दी। मेरा और मेरे स्वतंत्र प्रभाग मीडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना, आपके पूरे स्कूल को, टीचर्स को, आपको। कैमरा वुमन पूर्णिमा सोनकर के साथ, संवाददाता रोशनी सोनकर।